हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड ईयर का सेकंड पेपर फिजिक्स एंड सेकंड यूनिट। तो दोस्तों ये सेकंड यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं बिना देर किए स्टार्ट। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि हमने किस प्रकार के प्रश्न बताए हैं। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश से एक समान आवेश वस्तु के घूर्णन से संबंध चुंबकीय आघूर्ण को उसके कोणीय संवेग से निष्पत्ति क्यू अपॉन टू एम के बराबर होती है। जायरो चुंबकीय अनुपात किसे कहते हैं तथा अथवा हम इस प्रकार भी जायरो चुंबकीय अनुपात क्या है। क्यू आवेश तथा एम द्रव्यमान के वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए कण के लिए उसका मान ज्ञात कीजिए। अगर निम्न प्रकार से यह प्रश्न पूछा जा सकता है तो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका उत्तर भी हमने दिया है, तो ये उत्तर है इसका। दोस्तों आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र धारा लूप क्या है, इस पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी धारावाही रेखी चालक के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए एवं बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके सदिश रूप को समझाइए। दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते जाइएगा दोस्तों, इसका उत्तर भी दिया हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों किसी धारावाही परिणालिका के कारण, दोस्तों आप इसे कर सकते हैं, दो नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आप एम्पियर का परिपथीय नियम कर लें जिससे कि आपका एक भी प्रश्न पेपर में ऐसे मिस ना हो। तो देखिए दोस्तों एम्पियर के परिपथीय नियम लिखिए, इस नियम का उपयोग करते हुए लंबे बेलनाकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों उज्जैन यूनिवर्सिटी में 16, 17, 19 तथा जबलपुर में 19 में पूछा गया है। इसके बाद देखते जाइएगा दोस्तों, इसका भी उत्तर दिया हुआ है। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर दिख नहीं रहा है, सॉरी दोस्तों यह प्रश्न यह सिद्ध कीजिए कि सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा है। इसके बाद इसका उत्तर ये रहा। इसके बाद दोस्तों यही प्रश्न थे बहुत ही इम्पोर्टेंट, टोटल 4 प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद कर लें। दोस्तों यह प्रश्न है, तो दोस्तों मैं यहाँ आपको ये प्रश्न बताता हूँ। बी वेक्टर, एच वेक्टर एवं एम वेक्टर के पदों की संख्या की व्याख्या कीजिए और परस्पर रेखीय शायद संबंध स्थापित कीजिए यह है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।